हे एवरीवन, इट्स मी आशमिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो कि मैंने स्पेशली क्रिएट किया हुआ है। किस से मेकअप लुक, वैलेंटाइंस वीक का जो कुछ दिन के बाद जो बीतने के बाद आता है किस डे मेकअप लुक, उसी डे के लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही देसी टाइप का ये मेकअप लुक है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने 7 डेज में जितने भी मेकअप्स किए हैं इतने ज़्यादा कम टाइम में और इतनी ज़्यादा अलग अलग तरीके के मेकअप आप लोग को मैंने दिखाया है। आप लोग उसमें से कुछ भी कभी भी कैरी करके कहीं भी जा सकते हो, सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसीलिए मैंने इतना सिंपल मेकअप किया हुआ है क्योंकि कोई भी अगर बाहर जाता है डे टाइम में तो वो शादी में नहीं जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा हेवी मेकअप करके जाएगा। वो कहीं आउटसाइड जा रहा है घूमने के लिए या फिर कहीं डेट पर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप थोप करके कोई भी नहीं जाता। तो मैं इस 7 डेज में ऐसे ऐसे मेकअप्स आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ और कुछ मेकअप्स मेरा अपलोड हो चुका है तो आप लोग देख सकते हो। उसमें भी ऐसी ही वीडियोस है जिसमें बहुत हेवी मेकअप नहीं है, कुछ भी हेवी आई मेकअप नहीं है, कुछ भी हेवी फेस मेकअप नहीं है, तो आप लोग इजीली कभी भी कहीं भी कैरी करके जा सकते हो। सो वैसे ही ये भी मेरा मेकअप है बट इसमें थोड़ा सा मैंने देसी टिंट डाला हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल टाइप का है। इसमें हेयर स्टाइल्स भी मेरा बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है और 30 सेकेंड से भी कम टाइम लगेंगे आपको इस हेयर स्टाइल्स को करने में। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरा ये लुक पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना ये मेकअप लुक कि मैंने कैसे क्रिएट किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ एल्विन का 2-in-1 फाउंडेशन एंड कंसीलर। एक साइड में हमारा लिक्विड फाउंडेशन होता है और एक साइड में हमारा स्टिक कंसीलर होता है, तो उसी में से मैं ये अपना लिक्विड फाउंडेशन लेकर के अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैं अपने फेस के एक साइड पे लगा लगा करके अप्लाई कर रही थी। और पहले से आप लोग देख सकते हो, पहले से थोड़ा सा अप्लाई किया हुआ था। वो क्या हुआ था कि मेरा वीडियो ऑन नहीं हुआ था और मुझे लगा कि वीडियो ऑन हो चुका है और मैं बस कर रही थी, तो फिर मैंने देखा कि ले ये तो टाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे पता चला कि वीडियो ऑन नहीं हुआ है, तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। और कंसीलर नहीं, इसका जो फाउंडेशन है उसी को हम लोग एज अ कंसीलर भी अप्लाई करेंगे और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। बाद में इसको टैप टैप कर लेंगे जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा फिर थिक नहीं लगेगा। और नेक एरिया को कवर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, तो नेक एरिया को हम लोग इस तरीके से कवर कर लेंगे। और मैं यहाँ पर रह रहे करके गाना भी गा रही थी क्योंकि अकेले मन नहीं लग रहा था। और यहाँ पर अब मैं कलर सेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर के, उससे कॉम्पैक्ट नहीं ले रही हूँ, सिर्फ इसी से डैब डैब कर रही हूँ, उसके एप्लीकेटर से डैब डैब करके अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को। और बहुत ही हल्का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी मैं, बहुत थोड़ा सा लेकर के नोज़ के साइड में, ताकि कुछ भी केकी टाइप का नहीं फील हो मुझे। और अब सबसे पहले मैं अपने लिप को लाइन करूँगी, तो यहाँ पे मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। ब्राउन शेड, ये ब्राउन कलर का लिप लाइनर, और इसी से मैं अपने लिप को अच्छी तरीके से लाइन करूँगी, शेड दूंगी, उसके बाद तब फिर हम लिपस्टिक की अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारे फेस पे एक कलर आ जाता है तो हमारा फेस अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहले लिपस्टिक की अप्लाई कर लेती हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर सेक्सी का न्यू गर्ल लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और ये मैट लुक में आता है और इसकी प्राइस 149 रुपीज़ है। ये बुलेट लिपस्टिक काफ़ी अच्छा है, इतने कम दाम में इतनी अच्छी लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और काफ़ी देर तक स्टे भी करते हैं। और कलर देख सकते हो आप लोग, बहुत प्यारा कलर है। और अब मैं यहाँ पर लंडन प्राइड का गोल्डन आईलाइनर ले रही थी, बट फिर मुझे याद आया कि नहीं, लाइनर से पहले मुझे कुछ और लगाना था, तो मैं यहाँ पर लिपस्टिक ले रही हूँ, सेम लिपस्टिक, और उसको अपनी फिंगर्स में लेकर के पूरी क्रीज पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से। ये सब करने में हमारा ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगते हैं, काफ़ी चीप प्रोडक्ट, उसमें चीप नहीं, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में हमारे मेकअप भी हो जाते हैं आराम से। और ये पूरे अपने आईलिड्स पर अप्लाई करने के बाद हम अपना गोल्डन वाला लेंगे आईलाइनर और इसको हाफ़ क्रीज पर अप्लाई करेंगे, एकदम थोड़ा सा हाफ़ क्रीज पे इस टाइप से सर्कल करते हुए अप्लाई करेंगे पूरा। और इस तरीके से अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, थोड़ा सा बता दिया करो कि मैं मेकअप सही तरीके से करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का साथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हमारा वो लाइनर सूखेगा तब तक ड्राई होगा, जब तक हम लोग अपने आई
आईब्रोज को अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। सो आईब्रोज फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर सेम अपना आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। आईब्रो पेंसिल से मैं अच्छी तरीके से अपने पूरे आईब्रोज को फिल कर दूंगी। फिर इस स्पूली ब्रश से उसको कॉम कर लेंगे हम लोग। और अब मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी। तो कॉन्टोर के लिए अभी मैंने कुछ लाया नहीं था नीचे से, तो जो हमारा ब्राउन शेड था जिससे हमने अपने लिप को लाइन किया था, सेम लिप पेंसिल से हम अपने नोज़ को कॉन्टोर करेंगे। ये काफ़ी क्रीमी है तो ये अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया, मैंने हैंड से फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया और ये हमारा नोज़ भी कॉन्टोर हो गया। और पाउडर के जो प्रोडक्ट्स था, पाउडर ब्रश से हम थोड़ा थोड़ा इसको सेट कर लेंगे, पूरे फेस को एक बार और सेट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर शिवाना का अपना हाइलाइटिंग पैलेट ले रही हूँ और उससे अपनी चिक बोन्स को अच्छी तरीके से हाईलाइट भी कर दूंगी और वही ब्लश का भी काम कर लेगा अच्छी तरीके से। अपने नोज़ को भी हाईलाइट कर दूंगी मैं। और अब मैं आईलाइनर ले रही हूँ, यहाँ पे मास्क का आईलाइनर लिया है मैंने, बहुत ही डार्क ब्लू है, एकदम रॉयल ब्लू कलर का है, तो उतना पता नहीं चलता कि ब्लू है कि ब्लैक है, तो बहुत ही डार्क ब्लू है। और ज़्यादा मैंने विंग अप्लाई नहीं किया हुआ है, नॉर्मल विंग अप्लाई किया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ऐसे ही बस सिंपल सा आई मेकअप लुक रखा हुआ है मैंने। आप लोग डे टाइम में, सीरियसली डे टाइम में कोई भी बाहर जाता तो हेवी मेकअप करके जाता नहीं है, मैं खुद जाती हूँ, मैं जिस तरीके का मेकअप करके जाती हूँ हमेशा उसी तरीके का मेकअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोग ऐसे लाइट में करके जा सकते हो, उतना ज़्यादा हेवी कोई नहीं करके जाता है, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए है कि वीडियो में आप ऐसे कर सकते हो वैसे, बट उतना कोई करके जाता नहीं है। तो जो रियल है वही मैं बस आप लोग को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप लोग करके जा सकते हो। और अब मैं यहाँ पे कलर से इनका ब्लैक कोल काजल ले रही हूँ और इसको ऐसे इस तरीके से अगर टेढ़ा करके लगाएंगे तो ये हमारे आँख के अंदर चुभेगा नहीं और अच्छी तरीके से काजल अप्लाई भी हो जाएंगे वाटर लाइन पर। और काजल से ही मैं एक मोल्स बनाऊंगी अपने लिप के ऊपर में। और अब मस्करा के लिए मैं यहाँ पर अपना किस ब्यूटी का मस्करा ले रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा मस्करा है, वाटरप्रूफ मस्करा है और उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट हाँ फिर भी आराम से 3-4 घंटे ठहर जाता है आइस पर। और देख सकते हो आप लोग मस्करा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हेयर स्टाइल के लिए हम अपने हेयर्स को पहले पूरी तरीके से ओपन कर लेंगे। आज मैंने अपने हेयर्स को क्लच किया हुआ था बिकॉज़ हवा बहुत ज़्यादा चलती है और हवा की वजह से जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। आप देख सकते हो एकदम आगे से थोड़ा सा लिया मैंने दोनों साइड से, जो मेरा बैंग कट है वो आगे का आगे ही रह गया। अगर आप लोग का बैंग कट नहीं तो आप लोग आगे से बाल निकाल सकते हो। और मैं पीछे में दोनों को ऐसे ही कर ले रही हूँ और एक रबर बैंड की हेल्प से इन दोनों हेयर्स को सिक्योर कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से सिक्योर करने से हमारे हेयर्स पूरे ओपन के ओपन भी रह जाएंगे और हमारे फेस पर एक अच्छा लुक भी आ जाता है। और इसको देख सकते हो आप लोग, मैं ऊपर साइड से ले जा करके अंदर की तरफ से अभी फोल्ड कर लूँगी, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो हेयर्स हैं वो हल्के हल्के मुड़े मुड़े हुए लगेंगे, तो एकदम सिंपल लुक आएगा नहीं। और ऐसे ही करते हुए आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से करते हुए हम अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। आप चाहो तो वहाँ पर कुछ डिज़ाइनर क्लचर भी अप्लाई कर सकते हो छोटा सा, तो देख सकते हो थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा हुआ लुक आ गया है और ये अच्छा लग रहा है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हो गया हमारे, आपको मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।